क्या नाम है दुकान का? शंभुनाथ त्रिलोकी नाथ। शंभुनाथ त्रिलोकी नाथ। हेलो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ नया बांस गली बताशे वाली चांदनी चौक पुरानी दिल्ली में, और यहाँ पर दिवाली का क्या क्या सामान आया हुआ है ये मैं आपको दिखाती हूँ। कहने को तो ये होलसेल मार्केट है, लेकिन यहाँ पर आप रिटेल में भी सामान खरीद सकते हैं। और ये कितने की है? 90 रुपीस 12 पीस 80 रुपीस 60 रुपीस 80 रुपीस 60 कितने का 80 रुपीस 180 60 रुपए से लेकर 120 रुपए तक के 12 पीस मिल रहे हैं। छोटी छोटी मिट्टी की हंडिया है, उसमें मोम जमा है और खूबसूरती से सजा रखा है दिए की शेप में। आप यहां पर आकर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइंस हैं और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया है। दिए के डिजाइन और ये कारीगरी देखिए। दिवाली पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह की हाथ की कारीगरी अब लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। आगे की दुकान में ब्रास का भी सामान है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइंस हैं। अधिकतर यहाँ से सामान ना एक्सपोर्ट होता है, बाहर के देशों में जाता है। वहाँ पर इस काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कीमत है। यहाँ पर बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है। दिए के साथ रुई की बत्ती, रंगोली, हल्दी, चंदन सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। धूप बत्ती भी मिल रही है और मोमबत्ती के भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं। रोली मोली सभी कुछ है इस दुकान पर। इसी तरह की यहाँ पर सौयों दुकानें हैं, बिल्कुल साथ साथ एक से एक लगी हुई। मैं आगे चलती जाती हूँ और आपको सभी दुकानें दिखाती जाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना भीड़ बहुत है, रश इतना है कि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है और ट्रैफिक जाम है। इलेक्ट्रिक रिक्शा और स्कूटर भी फंसे पड़े हैं, उनको भी हिलने की जगह ही नहीं मिल रही है, पूरी तरह जाम है। यहाँ पर अधिकतर ऐसा ही माहौल होता है। अगर आप आएँ तो मेट्रो से ही आएँ, ताकि आपको यहाँ पर असुविधा ना हो। अपनी जेब का ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। सामान को सही से पैक करा कर लेकर जाएं, देख कर लेकर जाएं, ताकि टूट फूट की गुंजाइश नहीं रहे। लेकिन यहाँ से अगर आप सामान ले गए ना, तो आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद होने से बच जाएगा, क्योंकि इस सामान की कीमत रिटेल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की थोक मार्केट्स में आप रिटेल में भी सामान ले सकते हैं। एक पीस दो पीस भी आसानी से यहाँ पर दे देते हैं ये लोग, मना नहीं करते हैं, और होलसेल वाले रेट पर ही मिल जाता है आपको सामान। तो इस तरह का सामान जो आप ये देख रहे हैं ना, सजावट का सामान, अगर आप मॉल्स में लेने जाएं या फिर अपने आसपास की दुकानों में लेने जाएंगे, तो बहुत महंगा मिलता है। ये मोमबत्ती का पैकेट यहाँ पर 30 से 40 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। एक में 20 मोमबत्तियाँ हैं और मोमबत्ती की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर रिटेल मार्केट में लेने जाते हैं तो 30 रुपए की तो दो ही मोमबत्तियाँ मिलती हैं। और दिए मिल रहे हैं, दिए का पूरा पैकेट जिसमें 120 दिए हैं ना, वो मिल रहा है 250 से 300 रुपए का। और ये वाला पैकेट है 100 रुपए का, इसमें 50 दिए हैं, लेकिन ये 4 घंटे तक जलेंगे। और इसी तरह के 50 दियों का दूसरा पैकेट भी है, ये काले वाला जो है, ये 70 रुपए का पैकेट है, इसमें भी 50 दिए हैं, लेकिन ये दिए 1 घंटे जलेंगे। तो मैं तो ये 100 रुपए वाला पैकेट ले रही हूँ 50 दियों का, ये सही है। और इस तरह के भी सुंदर खूबसूरत दिए हैं, इनकी कीमत भी 60-70-80 रुपए हैं। दियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वैरायटी भी बहुत अच्छी है, और साथ में इनके रेट मार्केट से बहुत कम है। इस तरह की कांच की हंडिया है, जिसमें आप अचार या फिर ड्राई फ्रूट रखकर टेबल पे सजा सकते हैं। और इस हंडिया का रेट है 150 रुपए की दो। इस तरह के खिलौने हैं, 25-25-30-30 रुपए के ये खिलौने हैं। इनको क्यारियों में रखा जा सकता है, बहुत सुंदर लगते हैं, पौधों के पास या टेबल पर भी सुंदर लगते हैं। ये गुटलक भी लाते हैं। और इस तरह की क्रॉकरी भी आई हुई है, ये देखिए,
और ये 70 रुपये पीस है, बंधनवार हैं जिनसे आप घरों को सजा सकते हैं दिवाली पर। और ये दिए हैं, ट्रे हैं दिए की, छोटी छोटी, सब साइज़ की हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, 4 दिए की, 6 दिए की, 5 दिए की, 12 दिए की, सब तरह की हैं, जिस तरह की अभी आप चाहिए आप सामान ले जा सकते हैं। दिवाली की ख़रीदारी का समय है तो रश तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदारी तो करनी है। तो दिवाली की ख़रीदारी आपकी कैसी चल रही है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपने क्या क्या ख़रीदा मैं भी जानना चाहूँगी। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो में।